हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट टू क्लास इलेवेंथ सेट्स का, और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.3। यहाँ पर देखिए, जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। आपके इंटीजर्स का जो सेट होता है वो रेशनल नंबर्स का सबसेट होता है, और आपके जो रेशनल नंबर्स हैं और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। लेकिन आपको जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो आपका इरेशनल नंबर्स का सबसेट नहीं होता। ये तो पता था मेरे को, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे आप इंटरवल्स एट सबसेट ऑफ आर। कई सारे बच्चों को इंटरवल सुनते ही भूख लग गई। चलो, अभी तो पढ़ने बैठे थे, अभी हम जाएंगे लंच करने। चलिए, तो इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे? मान लीजिए कोई दो एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, वो बिलोंग करते हैं आर से, ठीक है। मान लीजिए कोई ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे रियल नंबर्स, आर क्या है, रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखें कि वाई कॉमा वाई वाई सच दैट, इस तरह से कि जो वाई है आपका ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, यानी जो आपका वाई है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ए और बी जो है वो इस सेट में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ए से बड़ा मतलब ए से बड़े सारे नंबर्स आप लिखेंगे, बी से छोटा मतलब आप बी से सारे छोटे नंबर्स लिखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ए और बी को नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए किसका, -2, 3 का। मान लीजिए आपने ये एग्जाम्पल लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, -2, 3, यानी आप ए से बड़े नंबर्स लेंगे। ए से बड़े नंबर्स मतलब, ए से बड़े नंबर्स मतलब क्या होते हैं, -1, है ना, 0, और 3 से छोटे यानी 1, 2, बस आप इतने नंबर्स ले सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आपने ये आपके जो है वो मिडिल नंबर्स हैं, वो आपके क्या है, मिडिल नंबर्स हैं, -2, 3 के बीच। तो इस तरह से जब आपका कोई सेट हो जिसमें आपका ए और बी इंक्लूड ना हो, आपके ए और बी एलिमेंट्स इंक्लूड ना हो, तो इस तरह के इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ओपन ब्रैकेट से, ये सी सी जैसे दिखने वाले ब्रैकेट से, है ना, सी की तरह दिख रहा है ना, तो सी सी जैसे दिखने वाले ब्रैकेट से हम ओपन इंटरवल को डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसमें आपका क्या है, कोई ऐसा सेट है जो आपका मान लीजिए जिसमें आपको ए और बी जो है वो इंक्लूड करना है, यानी जो वाई है वो ए के इक्वल है और बी के भी इक्वल है ना। तो इस तरह के इंटरवल को हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इस तरह का जो सेट होता है, जो सबसेट होता है रियल नंबर्स का, ये क्या है, ये रियल नंबर्स का सबसेट है ना। तो इस तरह का जो सबसेट होगा रियल नंबर को, रियल नंबर्स का, उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, है ना। और क्लोज्ड इंटरवल को हम डिनोट करते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट से, इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट से, है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया -2, 3, तो यहाँ पर आप जो है वो -2 को भी लेंगे, ठीक है, -2 को भी लेंगे, -1 को लेंगे, 0 को भी लेंगे, 1 को लेंगे, और 2 को लेंगे, और 3 को भी लेंगे। यानी क्लोज्ड इंटरवल में जब इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, तो यानी आपको बीच के नंबर्स तो लेने ही है, इसके अलावा आपको ए और बी भी लेना है, ए और बी भी लेना है। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दिया हो, इस तरह से दिया हो, इसका मतलब क्या है, वाई जो है ए के इक्वल है, यानी हमारा ए जो है वो तो ब्रैकेट में आएगा, ए जो है वो तो इस सेट से बिलोंग करेगा, इस सेट से बिलोंग करेगा, तो ए कॉमा, लेकिन बी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि वाई जो है वो हमारा बी से छोटा है, तो बी के लिए आप ये ओपन ब्रैकेट, तो आप इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ए की तरफ आप क्लोज्ड ब्रैकेट और बी की तरफ आप ओपन ब्रैकेट। इसको आप कहते हैं ओपन इंटरवल जिसमें ए हमारा इंक्लूड है, जिसमें ए हमारा इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, 3, मान लीजिए ये है आपका, तो इसमें आप -2 को तो लेंगे क्योंकि -2 की तरफ क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, -2 को लेंगे, -1 को लेंगे, 0 को लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, लेकिन 3 को नहीं लेंगे, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ये इस तरह का सबसेट है जिसमें जो वाई है आपका वो ए से ग्रेटर है लेकिन बी से छोटा है, ए से ग्रेटर है और बी से छोटा है। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए को ओपन ब्रैकेट और बी की साइड क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका -2 जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो आपका बी है यानी कि 3 वो इंक्लूडेड है। तो इसमें आपके कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -1, 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर आप देखिए, ये सारे क्या है, ये सारे जो है वो आपके सबसेट्स हैं रियल नंबर्स के, है ना, ये सारे रियल नंबर्स के क्या है, सबसेट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक नया तरीका मिल गया सबसेट्स को डिनोट करने का। आप इस तरह से रियल नंबर्स के सबसेट को डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट लगा है, यानी ओपन ब्रैकेट है, तो मतलब ए और बी को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल बीच वाले नंबर को लिखेंगे।
इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे और बीच वाले नंबर्स को भी लेंगे इस तरह से है, तो मतलब आप ए को लेंगे और बी को नहीं लेंगे, ए को आप ले लेंगे और बी को आप सेट में नहीं लेंगे इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो आपका इंक्लूडेड है, जो बी है वो आपका क्या है इंक्लूडेड है सेट में, लेकिन जो आपका ए है उसको आप नहीं लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको लिखा हो तो क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों ही आपके जो है वो आएंगे, दोनों ही आपके सबसेट से बिलोंग करेंगे और इसके बीच वाले नंबर्स भी बिलोंग करेंगे। और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप ए और बी को नहीं लेंगे, केवल उसके बीच वाले नंबर्स को लेंगे। इसको आप डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे देखिए, ओपन ब्रैकेट मतलब ए और बी को हमने नहीं लिया है, ओपन ब्रैकेट मतलब हमने ए और बी को नहीं लिया है, जब हम ए और बी को नहीं लेते हैं तो ये सर्कल बना देते हैं, ठीक है, देखिए ये सर्कल बना देंगे, ये सर्कल बना देंगे आप। लेकिन जब क्लोज ब्रैकेट है यानी ए और बी को ले लिया गया है, तो आप इसको इस जो सर्कल है उसको पूरा कलर से फिल कर देंगे, ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए ए को ले लिया गया है, तो हमने ए की तरफ ये ऐसा सर्कल बनाया है जो कि कलर्ड है, पूरा कलर्ड है, और यहाँ पर बी को हमने क्योंकि एक्सक्लूड किया है ना, तो यहाँ पर ये आपका सर्कल है, केवल सर्कल है। तो यानी कि जब इसको आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपके सर्कल जो है वो गोले जो है वो खाली हो तो मतलब क्या है ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, अगर आपके सर्कल के अंदर कलर भरा हो तो मतलब ए और बी जो है वो आपका इंक्लूड है। अगर ए की तरफ देखिए सर्कल में कलर भरा है, मतलब ए आपका इंक्लूड है और बी आपका एक्सक्लूड है। यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चे कि बी की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो मतलब बी आपका क्या है इस सेट से बिलोंग करता है, तो आप उसके लिए बनाएंगे कलरफुल सर्कल, यानी कलर से भरा हुआ सर्कल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेट, यहाँ पर देखिए सेट 0, ∞ क्या है, ये डिनोट करता है सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट को। -∞, 0 आपको डिनोट करेगा सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को। अगर आपका -∞ से इन्फिनिटी तक है तो ये डिनोट करेगा आपका सारे पूरे रियल नंबर्स के सेट को, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मान लीजिए ये आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए क्या गिवन है कि एक्स एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, जहां पर जो -5 है वो जो एक्स है वो -5 से ग्रेटर है, यानी -5 क्या है इंक्लूड नहीं है, तो हम इसलिए इसको क्लोज्ड ब्रैकेट इस साइड लगाएंगे और -5 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स आपका 7 के इक्वल है, यानी 7 इससे बिलोंग करता है, तो आप 7 की तरफ क्या लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। जब एक्स जो है वो इक्वल हो 7 के तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दीजिए, जब इक्वल ना हो तो आप ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट की, हमारा पावर सेट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय पी ए, इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। देखिए मान लीजिए ये आपका सेट ए है, मान लीजिए ये आपका सेट ए है, सेट ए में आपके दो एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। पहले तो हमने आपको बताया था कि जो एक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, तो यानी सेट ए खुद का सबसेट होगा, है ना, सेट ए खुद का ही सबसेट होगा, यानी 1, 2 जो है वो इसका सबसेट होगा, है ना। दूसरा हमने आपको दूसरा इसका सबसेट क्या हो सकता है, 1 भी हमारा ए का सबसेट हो सकता है ना, हमारा 2 सेट भी जो है वो ए का सबसेट हो सकता है ना। यहाँ पर हमारा एम्पिटी सेट, ये फाई क्या है एम्पिटी सेट, तो हमारा ये भी ए का सबसेट होगा। तो इस तरह से आपको ए के 4 सबसेट मिल गए, है ना। इन सारे सबसेट्स के कलेक्शन को, यानी एक सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं, इन सारे सबसेट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं पावर सेट कहते हैं। इन सारे सबसेट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं पावर सेट कहते हैं। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि पावर सेट में कितने सबसेट्स हैं, पावर सेट में कितने सबसेट्स हैं, तो आप पता कर सकते हैं कैसे, आप 2 × m लिख सकते हैं, 2 × m लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो m है, जो 2 की पावर m है, ये m क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी अगर आपको ये पता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इजीली ये पता कर सकते हैं कि उस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, यानी आप पावर सेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, हम बेसिक सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं यू से, एंड ऑल इट्स सबसेट्स बाय द लेटर्स ए बी सी एसेट्रा। हमारा मान लीजिए कोई एक बेसिक सेट होता है, जैसे मान लीजिए रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को अगर हम बेसिक सेट मान लें, तो हम रियल नंबर्स का सेट, हम मान लीजिए हमारा बेसिक सेट है, बेसिक सेट मतलब रियल नंबर्स मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, एन नेचुरल नंबर्स का सेट, जेड
और क्यों ये सारे, और टी इरेशनल नंबर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, जेड इंटीजर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, ये क्या है, ये सारे इसके सबसेट होंगे रे बाबा, है ना। तो यहाँ पर आर को हम मान सकते हैं यूनिवर्सल सेट, आर हमारा क्या है, बेसिक सेट यानी यूनिवर्सल सेट, और ये जो बाकी सारे जो हैं ये सारे हमारे क्या है, इसके सबसेट्स हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो उसके सबसेट्स क्या होंगे, तो उसके सबसेट्स होंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ये हमारे इसके हो जाएंगे सबसेट्स। यानी यूनिवर्सल सेट कोई भी बेसिक सेट होता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने नेचुरल नंबर्स के सेट को बेसिक सेट मान लिया, तो जो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स होगा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स होगा, वो सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पर पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा।